बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुए आगजनी की घटना के बाद नुकसान का दर्द देखने को मिला। वहां से जान बचाकर भाग निकले सैकड़ों कर्मचारी, आम लोग और पुलिस वाले जब अपनी गाड़ियां लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां गाड़ियों के कंकाल मिले। 100 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां उपद्रवियों ने जला डाली थी, इस तरह तोड़ दी थी कि वो किसी के काम नहीं बची। जिला कलेक्टर एसपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मिले। उन्होंने अपने वाहनों में हुए तोड़फोड़ और आगजनी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग को लेकर आवेदन भी दिया। इस घटना पर नव नियुक्त कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहन के स्वामियों को बीमा क्लेम दिलाने में सहयोग दिया जा रहा है, ताकि क्षतिग्रस्त वाहन स्वामियों को बीमा की राशि प्राप्त करने में आसानी हो सके। लहराया जा रहा है और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके खुद के निजी निजी वाहन भी थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और या निजी व्यक्तियों के कोई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है जहां पर वो आवेदन दे सकते हैं। और इस केंद्र में जो हमारे आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और हमारे ट्रेजरी ऑफिसर और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये 3 लोग की समिति बनाई गई है इस केंद्र के लिए। ये केंद्र में जो है इंश्योरेंस कंपनी से वो लाइन अप करेंगे और जो भी आवेदन आएंगे उसको जो है एसपी साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं, तत्काल एफआईआर में भी वो जोड़ा जाएगा और सबको इंश्योरेंस क्लेम तत्काल मिल सके इसके लिए एक सुविधा केंद्र बनाया गया है, ताकि सिंगल विंडो केंद्र है, जिनकी भी वाहन क्षतिग्रस्त हुई है वो यहाँ पर आवेदन दे सके। इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एसपी साहब भी यहाँ मौजूद है, साथ ही सभी कर्मचारियों को जो है मोटिवेट भी किया जा रहा है और सभी कर्मचारी हमारे बहुत अच्छे से बहुत ब्रेवली जो है इसके बाद जो है कार्य इस घटना के सामना किया और अभी भी कार्य रेगुलर कर रहे हैं और कर्मचारियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको भी हम समय समय पर इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे मीटिंग भी करते हैं और सभी लोग एक चीज के लिए संकल्पित है कि भाई जन सामान्य को शासन की सुविधाएं मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारी सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से उपस्थित हो रहे हैं और सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे जिलेवासियों को कोई भी उनकी समस्या हो या कोई भी आवेदन हो तो उसके निराकरण में कोई दिक्कत ना हो और केंद्र शासन की और राज्य शासन की जो योजनाओं हैं उनका लाभ सभी को नियमित रूप से मिलता है। हमने समिति बनाई है, अगर ओवरऑल नुकसान के लिए क्षति कितनी हुई है उसके लिए भी समिति बनाई है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कितनी क्षति हुई है उसकी लिस्टिंग के लिए विभागों को निर्देशित किया गया। विधि से जो घटना घटी आमजनी और ये तोड़ फोड़ की, उसमें हमारे कर्मचारियों का बहुत नुकसान हुआ है। कई कर्मचारियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, वाहनों को क्षति जला दिया गया है, उनके न्याय के लिए मैं आया था। साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था कि राजस्व विभाग है यहाँ पे जो कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, तब से भयभीत है, तो एक मनोबल इनको दें और यहाँ भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम के लिए एसपी साहब भी बैठे थे, उनसे भी निवेदन किया। और ये जो वाहनों का क्षतिपूर्ति की राशि है इसके लिए उन्होंने बताया कि हम सिंगल विंडो बना दिए हैं, उसको एफआईआर में भी अटैच कर रहे हैं, तो सिंगल विंडो के माध्यम से एफआईआर में अटैच होके सबको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और सब अच्छे उत्साह से काम करें और बाकी जो सुरक्षा के संबंधित इंतजाम है उनका भी एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि हम पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इतने कर्मचारियों की गाड़ी के लिए क्या रिकॉर्ड है? अभी रिकॉर्ड तो चूंकि बनाए जा रहे हैं, डर के मारे बहुत सारे कर्मचारी अभी आए नहीं है, ये सच्चाई है, परंतु जो मेरे को मालूम पड़ा है हर कर्मचारी जो यहाँ पे उस दिन ड्यूटी पे उपस्थित था उसकी गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुई है, 100 से ऊपर गाड़ियां जली हुई है ना, ये सारी बातें हैं। तो मैं आज कलेक्टर साहब से मुलाकात किया इस संबंध में, उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि क्षतिपूर्ति की राशि सभी कर्मचारियों को दी जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। अभी उन्होंने सिंगल विंडो के माध्यम से जो प्रोसीजर बताया है उसको एफआईआर में अटैच किया जाएगा, और निश्चित एफआईआर जब अटैच होती है तो बीमा कंपनी को भी देने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा अब सर इतनी बड़ी घटना के बाद कौन भयभीत नहीं होगा? आग आग आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, लोग कर्मचारी इधर से उधर भाग रहे थे तो स्वाभाविक बात है डर। नहीं मैं बोला कि और कोई धमकी वगैरह आप लोगों को थोड़ी नहीं नहीं धमकी को नहीं है, उस दिन की घटना से डरे हुए हैं क्योंकि ये कार्यस्थल है, यहाँ पे दुगना उत्साह से काम करना है। रोहित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक बोर्ड की कर्मचारी सर।